सम्मतानिव जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसि।
tarum vande mataram नमस्कार। स्वाधीनता दिवस के इस शुभ अवसर पर सभी को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। आई वुड लाइक टू थैंक द इंडियन एम्बेसी फॉर इनवाइटिंग मी हियर टुडे टू टॉक अबाउट अ टॉपिक दैट्स वेरी क्लोज टू माय हार्ट। स्वीडन में बसे इंडियंस रहते तो स्वीडन में ही हैं, लेकिन अपने दिल में भारत को लेकर चलते हैं। हर किसी का ये प्रयास रहता है कि हम अपने घरों में हमारी संस्कृति को जिए, अपने बच्चों को सिखाए, जो भी हमसे मिले उन्हें हम अपने देश से भी मिलाएं। कोशिश एक ही है कि भारत से परिचय, कभी खाने के ज़रिए, कभी म्यूज़िक और डांस के माध्यम से, लेकिन भारत से लोगों को अवगत कराने की हमारी कोशिश हमेशा रहती है और काफ़ी हद तक हम अपने कोशिशों में सफल भी हुए हैं। आज हम गर्व से कह सकते हैं कि स्वीडन में बसे इंडियंस सम्मान से जीते हैं। हमारी योगदान यहाँ की इकोनॉमी, इंडस्ट्री, एजुकेशन, IT में आज सिग्निफिकेंट लेवल पर है। जब भी कोई इंडियन को यहाँ पे सफलता मिलती है तो माँ भारती का सम्मान बढ़ता है। ऐसे ही हम कोशिश करते रहते हैं कि भारत की उन्नति में भी अपना योगदान दे, और इसी कोशिश में हम अलग अलग पथ लेते हैं, लेकिन एक ही मोटिव है कि हम भारत की हर मुश्किल स्थिति में साथ दे, एकजुट होकर साथ दे। संस्कृति एक ऐसी ही संस्थान है जहाँ हम हमेशा यही कोशिश करते रहते कि भारत का गर्व बढ़े। संस्कृति में हर एक प्रांत से भारतीय एक परिवार जैसे रहते हैं। मिलकर हमारी कोशिशों से, क्रिएटिविटी से हमने भारत के कई सारे एस्पेक्ट्स, इतिहास, कल्चर, डाइवर्सिटी, फेस्टिवल्स को अपने क्रिएटिव प्रोग्राम्स के ज़रिए लोगों तक पहुंचाया, उन्हें समझाया। इन्हीं कोशिशों से हमने भारत की डाइवर्सिटी और यूनिटी इन डाइवर्सिटी के कॉन्सेप्ट को लोगों के सामने रखा। भारत एक ऐसा देश है जिसकी तुलना किसी भी देश से की नहीं जा सकती है, और इसी पे हमें गर्व करना चाहिए कि हमारी डाइवर्सिटी में ही हमारी स्ट्रेंथ है। स्वीडन में बसे भारतीयों को मैं ये अनुरोध करूँगी कि अपने देश पर गर्व करें और अपने देश की भारतीयता, अपनी डाइवर्सिटी और यूनिटी इन डाइवर्सिटी के कॉन्सेप्ट को लोगों तक पहुँचाएँ, उनको अवगत करें। गांधी 150 सेलिब्रेशन में हमने काफ़ी सारे स्टेप्स लिए, जहाँ पे हमने शोज़ किए, कॉम्पिटिशन्स करवाए बच्चों के लिए। हमारा मोटिव यही था कि हम बच्चों को ये मौका दें कि हमारे फ्रीडम मूवमेंट, फ्रीडम फाइटर्स के बारे में वो जाने, उनसे वो अवगत हो, और यही हमारी सफलता है कि इतने सारे बच्चों ने पार्टिसिपेट किया।
स्वीडन में बढ़ रहे बच्चों को हमें ये मौका देना चाहिए कि वो भारत के बारे में और जाने, अपने भारतीयता पर गर्व करें। कई सारे इनिशिएटिव्स हम करते रहते हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन से भी, जिनमें हम बच्चों को अपनी कल्चर के साथ अवगत कराते हैं, और यही प्रयास हम सभी को करना चाहिए। 2020 एक ऐसा साल है जिसने मानव जाति को झिंझोर कर रख दिया है, और ऐसी मुश्किल स्थिति में हमारा देश ना तो सिर्फ कोविड से लेकिन साइक्लोन्स, फ्लड्स और बॉर्डर के चैलेंजेस भी फेस कर रहा है। ऐसे में हमें स्वीडन के भारतीयों को एकजुट होकर देश के साथ देना चाहिए। इसी कारण हमने भी कई इनिशिएटिव्स अपने साथ शुरू किए। एक ऐसा ही है रेमिट टू इंडिया, जहां हम अपने ही अकाउंट्स के पैसे अपने ही इंडियन अकाउंट्स में रेमिट करें। सेविंग्स अपनी ही होती है, लेकिन उससे फॉरेक्स रिजर्व से हमारे देश की इकोनॉमी को सपोर्ट मिलता है। मैं अनुरोध करूँगी सभी को कि इस इनिशिएटिव में साथ दें, अपने ही अकाउंट्स में रेमिट करें ऑन अ रेगुलर बेसिस। एक और इनिशिएटिव जो हम सपोर्ट करते हैं वो है वोकल फॉर लोकल। सब में ये अवेयरनेस होना चाहिए कि हम भारत में बने सामान खरीदें, देश की लोकल इंडस्ट्रीज़ को सपोर्ट करें। उससे हमारे लोकल वीवर्स, लोकल जो भी क्राफ्ट्समैन हैं, उनको सपोर्ट मिलती है आज के इस इकोनॉमिक सिचुएशन में। ऐसे ही कई सारे इनिशिएटिव्स हम रन करते हैं, और मैं आप सबको अनुरोध करूंगी कि इस सब में सब एकजुट होकर साथ दें, हमारा साथ दें। संस्कृति परिवार के हर एक सदस्य के तरफ से मैं आप सभी का अभिनंदन करती हूँ और निवेदन भी करती हूँ कि आप सब आइए, साथ मिलकर काम करें, माँ भारती का सम्मान बढ़ाएं। जय हिंद। Oh,
वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम सुजला सुफला मलयज शीतला सशश्यामला मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम शुभ ज्योत्स्ना पुलकित यामिनी फूल कुसुमित द्रुम दर्शोभिनी सुहासिनी सुमधुर भाषिणी सुखदा
संदेश से आते हैं हमें तड़पाते हैं तू चिट्ठी आती है तू पूछ जाती है कि कर कब आओगे कि कर कब आओगे लिखो कब आओगे कि तुम बिन ये घर सूना सूना